ऐसे देखो कितना जबरदस्त लग रहा है गाइस हमारा कासल। सो यू वॉच अब यूट्यूब हीरोइक हियर। तो गाइस आज हम अपनी फिर से हार्डकोर सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो गाइस पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम लोगों ने पहले ही एपिसोड में अपना पूरा डायमंड का आर्मर और सारे डायमंड के टूल्स बना दिए। तो गाइस आज के एपिसोड का मोटिव ये है कि आज हम लोग एक अपने लिए प्यारा सा एक घर बनाइए। तो गाइस घर बनाने के लिए हम लोग स्टोन ब्रिक्स चाहिए होंगे जो कि मेरे पास कॉबलस्टोन पड़े हुए जो कि स्मेल्ट करने से मिलेंगे। लेकिन गाइस अभी क्या नाम है ये इतने काफ़ी नहीं है। तो अब हम लोग जैसे बार बार ला ला के फर्नेस में डालेंगे तो फ़ायदा नहीं है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले जो है ना अपनी डायमंड की पिकेक्स को थोड़ा सा अपग्रेड कर लेते हैं। पहले हम लोग जो है यहाँ पे एनचेंटमेंट टेबल बना लेते हैं ताकि हमें सिल्क टच मिल जाए। और हमें सबसे पहले एनचेंटमेंट टेबल बनाने के लिए तो ऑब्सीडियन चाहिए होगा, और पिछले एपिसोड में मैंने जो है वो नहीं बनाई थी क्या ना मैं आयरन की बकेट। तो आयरन की बकेट भी बनाते हैं हम लोग सबसे पहले और सारा काम करते हैं। तो गाइस अभी फाइनली हम लोग उस केव में तो आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग पानी डालते हैं और सारा ऑब्सीडियन बनाते हैं। तो गाइस फाइनली मैं रात को ऊपर आ चुका था और मैं सो भी गया और यहाँ पे सारे मॉब्स चल रहे हैं अभी और मुझे खाना खाना पड़ेगा। तीर मार मार के एचपी तीनों कर रहे हैं और गाइस वो देखो फुल डैम फुल गोल्ड आर्मर में भाई, ये तो एकदम स्वैग वाला बंदा है। ये तो मरेगा भी चार शॉट में, देखा चार शॉट में मारा है ये। और हमारे पास एक वो भी आ चुकी है, खैर इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोग अपनी अच्छी सी वो बनाएंगे बाद में कभी, इसको भी मार देते हम लोग। तो वैसे ये जो है ना कुछ करती नहीं है जब सुबह हो जाती है, तो वैसे तो पता ही होगा। और यहाँ पे अभी हम लोग जो पांच ऑब्सीडियन ले आए ना उसका पहले एनचांटमेंट टेबल बना लेते हैं। और यहाँ पे एनचांटमेंट टेबल के लिए मुझे एक बुक भी चाहिए, तो अब मैं बुक भी बना के आता हूँ। सबसे पहले हमें काऊ को ढूंढना पड़ेगा और शुगर केन याद है पहले एपिसोड में हमने कहाँ देखा था, जहाँ पे हम लोग स्पॉन हुए थे ना वहीं पर ही थोड़ा पीछे की साइड देखा था। ये देखो ये पानी में जाके हमें तीर मार रहा है, जला नहीं है अब इसको जलाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे ये सारे शुगर केन तोड़ते हैं। तो मेरे को पहले एपिसोड में दिख गए थे, मैंने लगे रहने थे, मेरा जब काम हुआ तो हम आके ले जाएंगे। और अब मुझे सबसे पहले लेदर चाहिए बुक बनाने के लिए, तो लेदर अभी हम लोग ढूंढते हैं सबसे पहले। तो गाइस फाइनली मैंने एनचेंटमेंट टेबल बना ली है और अभी रात हो गई थी तो मैंने मॉब्स ऑब्स को मारा और थोड़ा मैं सो हो गया था यहाँ पे उठ के। फिर सॉरी मुझे तो अपनी पिकेक्स एनचेंट करनी है। तो गाइस इसमें तो सिल्क टच आ ही नहीं रहा है, तो अभी हम लोग को अपनी स्वॉर्ड ही एनचेंट करनी पड़ेगी। मैंने वापसी पिकेक्स डाल दी अपनी, तो इस पर शार्पनेस स्माइट वन आ रहा है, स्माइट वन ले लेते हैं। और गाइस हमारी एडवांसमेंट भी आ चुकी है, एक्स पे एफिशिएंसी 2 मिल रहा है, ये भी ले लेते हैं। लेकिन सॉरी पिकेक्स मैंने चेक नहीं करा, एफिशिएंसी मिल रहा है गाइस। अब मुझे बहुत सारी चीज़ें एनचेंट करनी पड़ेंगी, जितना भी आयरन आर्मर हो सकता है मेरी एक्सपी भी ख़त्म हो जाए। तो अभी हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले कर कर के बार बार। तो गाइस अभी क्या नाम है, मैंने सोचा था कि मैं जो है इस पिकेक्स पे, देखो मुझे सिल्क टच तो मिल चुकी है, वो कैसे मिली देखो, मैंने जो है ना इस पे डाला तो यहाँ पे एफिशिएंसी 1 लिखा हुआ रहा था, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ था, यानी और भी चीज़ें मिल सकती थी। तो गाइस मैंने उस पे क्लिक करा तो एफिशिएंसी और सिल्क टच साथ में मिल गया मुझे और वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो क्या नाम है, मतलब मैं सोच रहा था कि मैं इसको एनचेंट करके वो बना लूँगा, क्या बोलते हैं उसको, ग्राइंडस्टोन। तो ग्राइंडस्टोन से जो है डिसेंट करके बार बार एनचेंट करते रहेंगे। लेकिन गाइस हमें पहली ही बार में मिल गई जो हमें चाहिए थी। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले कहीं भी डिग डाउन करते हैं और ज़्यादातर स्टोन जमा करने की कोशिश करते हैं। और गाइस हम लोग को यहाँ पे अपना एक पहला ग्रास ब्लॉक भी मिल चुका है, ये देखो सिक्स से अगर मैंने तोड़ा ना, तो अभी यहाँ पे स्टोन नहीं है, हाँ यहाँ पे स्टोन आ गया। तो गाइस अब देखो हम लोग को इसको स्मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लोग जैसे जैसे खोदेंगे ऐसे हमें मिलता जाएगा। तो अभी हम लोग पहले सब लोग पूरा जो है जितना हो सकता है हम लोग खोदते हैं। तो गाइस अभी क्या नाम है, मैंने फाइनली जो है स्पून तो जमा कर लिया है, स्पून हो गया था, इसको मार देता हूँ। और गाइस यहाँ पे मैंने क्या नाम है बहुत अच्छा खास है, एक तो ये लोग स्पॉन होते हैं ना यहाँ पे अंधेरा है, मैंने टॉर्चेस में बनाई नहीं, अभी बना के यहाँ पे लगा देंगे नहीं तो यहाँ पे मॉब तो इतने स्पॉन होंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने तकरीबन जो है इतना अच्छा खासा एरिया बना लिया है, इन लोगों को एक तो चैन ही नहीं है, यहाँ पे मैंने इतना एरिया नहीं बना दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने अच्छा खासा 10 से 10 हाथ 10 भी नहीं सॉरी 9 स्टैक मैंने
क्या नाम है स्टोन माइन कर लिया है और यहाँ पे मैं सबके स्टोन ब्रिक बनाऊंगा और मुझे ऊपर से किसी की आवाज़ आ रही है वो आपको पता है वो आता है हमारे वर्ल्ड में जब उसको मरना ही होता है वो आता है मरने के लिए आता है समझ लो। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऊपर चलते हैं ये लगा के यहाँ पे ये ग्रेवल मिली थोड़ी सी मुझे तो मैं ये लगा के ऊपर चलता हूँ और गाइस ये रहा तो अभी हम लोग सबसे पहले इसको मारते हैं इसके लामा में मारेंगे लेकिन कोई बात नहीं अब एक तो इसको शॉर्ट से मारना पड़ेगा ये मरिया तो इनके लामा को मुझे मारना पड़ेगा क्योंकि मुझे लीड चाहिए थी लोग फ्री में लीड देके जाते हैं इनको अबे नहीं मर रहे ये मर गए गाइस और ये भी मर गए गलती से इसको ना लग गया भाई ये बड़ी काम की चीज है इसको मैंने पहले ही एपिसोड में देख लिया था लेकिन मैंने इसको कुछ करा नहीं क्योंकि ये बाद में बहुत काम आई है हमारे तो ये देखो इसने शहद भी शायद पूरा भरा हुआ होगा सॉरी हनी शहद क्या बोल रहा हूँ हनी जो है इसने पूरा भरा हुआ होगा इसके अंदर तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे पूरे जितने 10 स्टैक हुए हैं ना हमारे पास स्टोन तो मैं इसके स्टोन ब्रिक्स बना लेता हूँ सबसे पहले तो गाइस मैं स्टोन ब्रिक्स क्राफ्टिंग टेबल से तो बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला मैं स्टोन ब्रिक्स जो है स्टोन कटर से बनाऊंगा। तो गाइस अभी क्या नाम है मैंने जो है यहाँ पे स्टोन कटर बना लिया अपने लिए और ये 10 के 10 स्टैक जो है हम लोग यहाँ पे पहले इसको फुल कर देते हैं हम लोग क्या नाम है ये बनाते हैं स्टोन ब्रिक्स यहाँ पे स्टोन ब्रिक्स सबके हम लोग स्टोन ब्रिक बना लेते हैं और मैं सोच रहा हूँ हम लोग का कासल होने वाला है तो थोड़े एक काम करते हैं पिलर्स के लिए जो है ना चिजल्ड अच्छे रहेंगे तो एक स्टैक ये भी बना लेते हैं और थोड़े से और कॉबल स्टोन बनाने पड़ेंगे और कॉबल स्टोन की स्टेयर भी बनानी पड़ेगी हमें वैसे हम लोग को कॉबल स्टोन बोल रहा हूँ स्टोन ब्रिक्स की हमें ये थोड़े से और स्टोन ब्रिक्स बना लेता हूँ कितने हो गए इतने से तो हमारा काम नहीं होगा हो सकता है हमें और लाना पड़े वो हम ले आएंगे बाद में जाके। और गाइस अब इसके अलावा जो है मुझे यहाँ पे इनका मैं सोच रहा हूँ इसकी जो है ना मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ स्टेयर्स की भी क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। और गाइस अभी जो है मैं अपना एक टाइप से कासल बनाने वाला हूँ तो कासल के लिए जो है स्टोन ब्रिक्स अच्छे रहते हैं चिजल्ड स्टोन अच्छे रहते हैं और मैं इसको जो ना मतलब इस वाली और स्टोन ब्रिक और उसकी डीप स्लेट की थीम का बनाऊंगा। तो अभी जो है मुझे डीप स्लेट माइन करने भी जाना पड़ेगा अच्छी बात है हमारे पास क्या नाम है ये सिल्क टच की पिकैक्स है तो हमें डायरेक्ट डीप स्लेट मिलेगा ना कि कॉबल डीप स्लेट मिलेगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले नीचे चलते हैं क्योंकि वो बहुत नीचे मिलता है तो अभी मैं पूरी इन्वेंटोरी खाली करके नीचे गाइस फाइनली अभी क्या नाम है मैं नीचे आ चुका था और मैंने अपने हाथ में लावा बकेट पकड़ ली क्योंकि मैं टॉर्च लाना भूल गया था मैं बकेट लाया था मैंने यहाँ से लावा भी लिया थोड़ा सा आगे जाके जहाँ से हमने ऑब्सीडियन लिया था ना उसके लिए एन्चेंटमेंट टेबल के लिए तो अब मैंने इसमें बढ़ लिया और यहाँ पे देखो कितना सारा डीप स्लेट है इसी से मेरे ख्याल से पॉलिश डीप स्लेट बनेगा ये मुझे पता नहीं है कैसे बनता है लेकिन जब डीप स्लेट ये है तो पॉलिश डीप स्लेट भी इसी से बनेगा। तो अभी हम सबसे पहले ये माइन करते सारे और मुझे अच्छे खासे चाहिए होंगे और मैं साथ ही साथ स्टोन भी थोड़ा और माइन करता हूँ क्योंकि मुझे वो कम लग रहा है जो स्टोन ब्रिक से मुझे कम लग रहा है तो मैं सबसे पहले ये माइन कर क्या अभी क्या नाम है मैंने फाइनली जितना ये डीप स्लेट है ना ये सब
डीप स्लेट और जितना सामान यानी ब्लॉक्स बनाने हैं वो कासल बनाने के लिए नीड था हमें चाहिए, तो वो मैंने सब बना के यहाँ पे रख दिया। और मैंने थोड़े बहुत गोल भी रख लिए क्योंकि ये थोड़े अच्छे लगेंगे, गोल्ड थीम देते हैं थोड़े। तो उसके बाद जो है फिर गए इसमें आके यहाँ पे सो गया था और मैंने अपने फिर स्क्वाड के इसको एफिशिएंसी 1 पे एनचेंट कर लिया था। मैंने अपनी पिकैक्स पे एनचेंट करके देखी थी कि एफिशिएंसी 2 मिल जाए, लेकिन एफिशिएंसी 1 मिला। तो गए सब क्या नाम है, मैं सबसे पहले जो है ना यहाँ पे ये पूरा फ्लैट करने के लिए मैंने इसको एनचेंट कर दिया क्योंकि मुझे कास बनाना था, पे फ्लैट तो करना पड़ेगा। तो अभी मैं पूरा फ्लैट करके आऊँगा। तो गाइस फाइनली अभी क्या नाम है, मुझे कम से कम मेरे ख्याल से 1.5 घंटा हो चुका है, मुझे पता भी नहीं कितने घंटे हो गए। तो मैंने इसको इतना अच्छा खासा फ्लैट तोड़ दिया है और मैं फ्लैट करते जा रहा था, मुझे अच्छा लगता जा रहा था तो मैंने कर दिया। तो गाइस अब जो है हम लोग अपने कासल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं जो सबसे पहले जो है ना पूरी इन्वेंटरी खाली करनी पड़ेगी। मैं सोच रहा था मेरे पास ज़्यादा डर्ट आ जाएगी, लेकिन जितनी आ रही थी ना वो फ्लैट करने में लग भी जा रही थी वापसी। तो अभी मैं पूरी इन्वेंटरी खाली करता हूँ सबसे पहले। तो गाइस मैंने सारे स्टोन ब्रिक्स जो ले लिए, तो अब जो है मैं सोच रहा हूँ इस साइड फेस करते हुए बनाऊँगा कासल जो है। तो उसका सबसे पहले जो है ना एक छोटा सा लेआउट बनाता हूँ मैं। सबसे पहले जो है यहाँ से हम लोग जो है कम अज़ कम मैं ऐसा रखूँगा जिसका जो है ना ऑड नंबर वाला हो, मतलब इससे उसका जो है एक सेंटर पॉइंट भी हो। तो अभी हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे एक ऐसे मतलब एक लेआउट सेट कर लेते हैं, यानी ब्लू प्रिंट सेट कर लेते हैं। ये ब्लू प्रिंट तो नहीं, एक ग्रे प्रिंट कहलाएगा, तो हम लोग ग्रे प्रिंट सेट कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है मैं पूरा करके आऊँ। तो गाइस फाइनली अभी मैंने मुझे फिर से क्या नाम है आधा घंटा हो चुका है, क्योंकि मैंने जब वहाँ पे कासल मतलब बनाना शुरू करा तो कासल तो बहुत बड़ा बन रहा था और वहाँ पे बीच में देखो वो पहाड़ आ रहा था, तो उसको फिर मैंने तोड़ा वापसी बाहर वापसी तोड़ा, जितना मुझसे हो रहा था उतना मैंने कर दिया। और अब जो है देखो गाइस मैंने ये लेआउट बना दिया, अब इसके ऊपर हमें दीवारें खड़ी करनी है। ये बहुत बड़ा कासल है लेकिन जब ये बन जाएगा इसका लुक अलग ही आएगा। तो गाइस अभी हम लोग ये पूरा बनाते हैं, जितना हम लोग मेरे ख्याल से मुझे जो है और स्टोन ब्रिक्स लाने पड़ेंगे क्योंकि इतने में ही मेरे 2-3 स्टेप खत्म हुए मेरे ख्याल से। तो अभी यहाँ पे मैं पूरी इसकी दीवारें खड़ी करके आता हूँ, तो अभी हम लोग नीचे चलते हैं पहले। तो गाइस अभी क्या नाम है मैं सो के उठ चुका हूँ, और गाइस जब मैं अपनी शवल से तोड़ रहा था ना, देखो मेरी शवल की ड्यूरेबिलिटी कितनी कम हुई। तो फिर मैंने बहुत सारे आयरन की शवल बनाए, फिर मैं उनसे तोड़ने लग गया था। और गाइस अब जो है यहाँ पे ये जो वॉल होंगी ना, मैं इनकी हाइट बताता हूँ सबसे पहले आपको। ये देखो 1 तो पहले ही हुआ, 2 ये 3 हो गए, 4 5 6 7 सही नहीं, इनकी 7 की हाइट होगी। और इसकी जो है वॉच टावर की मैं आप लोग बता दूँ, एक मिनट वाटर बकेट करनी पड़ेगी, पीछे कर दी मैंने ऊपर नहीं करी। तो अभी हम लोग को वॉच टावर बनाना है, तो ये देखो 7 हाइट तक तो हम लोग ऐसे चलेगा सही है। उसके बाद 8 9 10 सही है, वॉच टावर की हाइट 10 होगी और ये जितनी भी बॉल्स होंगी उनकी हाइट होगी 7, ताकि ये वॉच टावर तो वो होते ना मतलब एक टाइप से ऊँचे ही होते हैं पूरे कासल से। तो सबसे पहले अब मैं ये बनाता हूँ और ये सारी बॉल खड़ी करके आता हूँ, बीच में हो सकता है मुझे स्टोन ब्रिक्स लेने जाना पड़े तो जाना। तो गाइस फाइनली अभी देखो मैंने इतना तो कंप्लीट कर दिया है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, ये वॉल का डिज़ाइन थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये मैं सोच रहा हूँ इसको जो ना नीचे से भी थोड़ा सा कर दें, और यहाँ पे देखो ये वॉच टावर भी बहुत अच्छा लग रहा है, बस ये थोड़ा बड़ा हो गया वॉच टावर, लेकिन ये थोड़ा बेहतर लग रहा है, मतलब बड़ा ही अच्छा लग रहा है, मतलब ये जो है ऐसा मजबूत सी फील दे रहा है, ऐसा लग रहा है सीने ही कासल को संभाला हुआ है। तो ये पूरा जो है अभी पूरा करना पड़ेगा, और मेरे पास स्टोन ब्रिक्स देखो जल्दी सिर्फ 5 स्टैक बचे, 5 6 6 स्टैक बचे। तो अभी रात भी हो गई है, तो मैं सबसे पहले सोता हूँ ताकि क्रीपर स्पॉन हो गए तो वरना तो फिर हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो ये मैं पूरा करता हूँ सबसे पहले, और अगर मुझे बीच में स्टोन ब्रेक लेने जाना पड़ा तो जाना पड़ेगा। बस अभी क्या नाम है मैंने अभी अभी जितना भी हो सकता था मैंने सारा, ये देखो यहाँ पर कितना सारा स्टोन ब्रेक, सॉरी ये डीप सेट पड़ा हुआ है, यहाँ पर मैंने सारा जमा कर लिया। और मेरी पिकैक्स क्या नाम है टूटते टूटते 2 दफ़ा बची, तो जब एक दफ़ा पूरी टूटने वाली थी ना सबसे पहले, तो मैंने यहाँ पे एनविल से आके 2 दफ़ा मैं जो है इसको ठीक कर चुका हूँ, मतलब इस पर डायमंड नहीं लगाया, डायरेक्ट पिकैक्स बनाई और इसके साथ चिपका दी मैंने इसके अंदर, और क्या नाम है इसकी हेल्पफुल हो गई। और ये अभी मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ, हाँ शायद दूसरी दफ़ा मैंने इस पिकैक्स को रिपेयर करा है ताकि टूटे ना, क्योंकि मुझे और भी काम है, वैसे मुझे इनफ लग रहे हैं तो मैं और जमा नहीं करूँगा। तो अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले नीचे जाके दिखाता हूँ कि मैंने कितनी खुदाई कर ली है, वो जो जगह थी ना जहाँ से पहले मैं आप लोगों को ऊपर चल के दिखाता हूँ, ये मैं आप देना डालना पड़ेगा ऊपर चलते हैं। और अब लो भैया
क्या नाम है, हम लोग वहाँ पे चलते हैं। उससे पहले वाटर बकेट जब भी मैं वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूँ जब नहीं होती ऐसे हो जाती है। तो अभी थोड़े पिक्स तो मैं थोड़ा खाना जमा कर लिया था क्योंकि खाने की बहुत कमी हो रही थी मेरे पास। तो अभी सबसे पहले हम लोग जो है नीचे चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। और तो गाइस ये देखो गाइस कितना बड़ा ज़्यादा एरिया मैंने माइन कर लिया है यहाँ पे। जितने भी डीप स्लेट थे वो सारे माइन कर लिए। यहाँ पे मॉब्स होने लग गए थे तो मैंने टॉर्चेस बनाई बहुत सारी, और यहाँ पे ऐसे करके टॉर्चेस लगा दी सारी। यहाँ पे भी अंधेरा थोड़ी बहुत लगा देते हैं। ये देखो कितना सारा मैंने एरिया माइन करा है। तो अभी जहाँ इसमें जितने भी ऊन निकले ना वो मैंने निकाले नहीं क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। अभी क्या नाम है, मेरे ख्याल से 6 घंटे की रिकॉर्डिंग वैसी हो चुकी है। हाँ तकरीबन 6 घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अभी हम ऊपर चलते हैं। 6 घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। सोचो 6 घंटे से मैं डायरी के कासल बनाने में लगा हूँ, और मैंने कासल तो आपको दिखाया नहीं मैंने कितना बना दिया। एक मिनट मैं ऊपर चल के दिखा। तो गाइस आप लोग देखो मैंने इतना कासल तो देखो पूरा कंप्लीट कर दिया। ये देखो ये यहाँ से मैंने पूरा इतना कासल तो कंप्लीट कर दिया। और इसी को बनाने में मेरे ख्याल से मेरे जितने भी वो थे स्टोन ब्रिक्स वो ख़त्म हो गए थे, और फिर मैं नीचे गया फिर लेके आया ऊपर। और अभी हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो अपना डायमंड का शवल है वो भी रखवा दिया था, क्योंकि मैंने मतलब वो टूट जाएगा और मेरे पास अभी इतने डायमंड बचे नहीं है कि मैं बार बार जो है वो करूँ क्या मैं डायमंड मतलब शवल भी रिपेयर करूँ, क्योंकि अब मुझे मैटनिंग की सख्त ज़रूरत। तो गाइस फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, और हम लोग जो है यहाँ पर सारे निकालते हैं जितने भी ये हैं। और इसमें मैं सोचा था गिलास भी लगाऊँ, लेकिन गाइस अभी बिल्कुल भी मेरे पास जो है ना दिल नहीं चाह रहा मेरे गिलास की माइनिंग के लिए। वो मैं ऑफलाइन कर दूंगा ये गिलास जो है इसमें लगा दूंगा, क्योंकि गिलास से जो है छत का लुक अच्छा आएगा। तो अभी हम लोग छत डालने वाले हैं सबसे पहले अपने क्या नाम है कासिल की। तो अभी हम सबसे पहले ऊपर चलते हैं और अपनी छत डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग वाटर बकेट डालते हैं सबसे पहले, और ऊपर चल के हम लोग यहाँ पे डालते हैं और गिर जाते हैं यहाँ पे। तो ये जितना एरिया है ना ये वहाँ से लेके यहाँ तक ये मुझे पूरा कवर करना है। और इसके बाद मैं सोच रहा हूँ अपने कासल पे एक फ्लोर और बनाऊँ, क्योंकि बस मेरा दिल चाह रहा था नहीं क्योंकि मैंने इतने सारे स्टोन ब्रिक्स जमा कर लिए। मैंने यही सोच के करे थे कि मैं एक फ्लोर और बनाऊँगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे पूरे कासल की छत डालते हैं सबसे पहले। तो गाइस फाइनली अभी मुझे आधा घंटा और हो चुका है। तो गाइस हमारा कासल तो फाइनली पूरा हो चुका है, और वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ सबसे पहले। तो 3, 2, 1 गाइस ये देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है गाइस हमारा कासल। और यहाँ पे देखो मैं सोचा था इसके ऊपर एक टावर और बनाऊँगा, लेकिन गाइस अभी क्या नाम है मेरी रिकॉर्डिंग को तकरीबन 9 घंटे हो चुके हैं, 9 घंटे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी भी ये कासल में थोड़ा सा काम बाकी है। इंटीरियर जो है इसके अगले एपिसोड में करूँगा, अभी तो नहीं करूँगा। तो गाइस ये कासल कितना प्यारा लग रहा है आप लोग देखना। और अगर गाइस अगर आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो गाइस लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर।